गुड मॉर्निंग गाइस। आज है नौमी और आज भी बच्चा रेडी हो गया नहा के, क्योंकि डिमांड में है बच्चे आज भी सारे सारे हैं। आज भी मनी मिलेगा है? अच्छा, तो यार आज का प्लान तो कुछ ऐसा ही है कि अभी मैं जाऊंगा जिम, क्योंकि कल कंजक की वजह से मेरा जिम ही मिस हो गया था। इन लोगों को ही टेलीपोर्ट करता रहा मैं यहाँ से वहाँ पे, तो बस उसके बाद देखता हूँ। हाँ, उसके बाद मुझे फिर से उन्हीं दोस्तों के साथ जाना है। आज मैं करने जा रहा हूँ एक प्लैंक चैलेंज बड़े बड़े दिग्गज बॉडी बिल्डर्स के साथ, तो लेट मी सी वेयर डू आई स्टैंड। बट मैं अभी जिम जाऊंगा, लेकिन फिर भी जाऊंगा प्लैंक चैलेंज करने, तो लेट सी। ये कोई बहाना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अगर तो कोशिश तो पूरी करूंगा भाई, जब कंपटीशन सामने आता ना फिर नहीं मैं पीछे हटता। ऐसे जब अकेला प्लान कर रहा होता हूँ तो फिर तो मैं छोड़ ही देता हूँ। अरे ठीक है यार, हो जाएगा। गाइस फर्स्ट इनवाइट आ चुका है। अच्छा, देने आए थे? ओके, व्हाट ओके। गाइस कंजक की होम डिलीवरी थी, उन्होंने वो टाइमिंग वगैरह काशु को पता नहीं था तो वो नहीं जा पाई, बट अब वो जा रही है सात्विकी के पास। तो सात्विकी के साथ ही अभी जाने वाली है, नाइट स्टे करेगी कुछ दिन, मतलब एक इसका नाइट स्टे करवाएंगे हम, लेट्स सी कब। बट इनका बहुत पेंडिंग चल रहा है स्लीप ओवर सात्विकी और काशु का, तो अब ये वहीं जा रही है। तो मंशा को बोलता हूँ वहाँ जाके कुछ वीडियोज ले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर। ठीक है, मंशा आज मंशा करेगी ट्रांसपोर्टेशन, मैं नहीं करूँगा। So now there's a party going on. आज कंजक टर्न ब्लेडेट हो गई है बच्चों की, और ये खा रहे हैं पिज्जा। थैंक्स टू नेहा आंटी फॉर होस्टिंग अस। हाय गाइस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आंटी दिस इज लाइक रियल इन्वेस्टिंग एंड ऑल, ओह नॉट लाइक अ नॉर्मल कार्ड वन, इट्स रियल, वी आर गिविंग कैश। वाओ, ये लोग ना 10 बजे गए थे अप्रोक्सीमेटली, और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1 बज रहे हैं, 11, 12, 1, 3 घंटे। वैसे मैंने आपको दिखाई दिया है इन्होंने क्या मस्ती करी है, लेकिन अभी ये वहीं पे है ना, तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ खेलने वाला हूँ मैं अभी लेफ्ट फॉर डेड मल्टीप्लेयर, मज़ा आ जाएगा अभी बस ये खेल के। मैं ना एक्चुअली जिम नहीं गया, फिर मैंने कहा यार अपने फुल पोटेंशियल पे प्लान करूँगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। बिकॉज यार क्योंकि जो कम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है यार उन सबका, मतलब मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, बच्चा सा बंदा हूँ मैं यार। देखते हैं क्या रहता है उनके साथ, तो मैं वहीं सीधा जाके वहीं पे उनके साथ प्लैंक चैलेंज करके अपना जिम भी वहीं निपटा दूंगा, और मतलब एक ही बार जाऊँगा ना यार, फिर निकल पड़ा हूँ यार जिम के लिए। तो यार जिम ना जाने का मेरा एक रीज़न और ये था, क्योंकि ब्लॉग नहीं डाल रहा था मैं, एडिटिंग भी करनी थी, तो बस एडिटिंग करके आज 3 बजे ब्लॉग आ जाएगा, प्लीज़ सबके सब देख लेना। ठीक है, काफ़ी मतलब थ्रू आउट द वीक जो भी किया वो सब दिखाया मैंने, अब मैं जाता हूँ जिम और लेट्स सी मेरे में कितना दम है। गाइस आ गया हूँ मैं, आज इन सबके साथ प्लान चैलेंज है मेरा, देखता हूँ क्या है आज की डेट में क्या होने वाला है, करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। गाइस मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। अरे अरे भाई, अरे भाई प्लीज। A few moments later. उन्होंने हल्का सा भी नहीं हिटे, बहुत अच्छे खेले, नहीं ना चीटिंग करी थोड़ी बहुत भी, पोस्टर इनका सबसे बढ़िया। गाइस आ गया था जिम करके, अब आ गया हूँ मैं अपने क्लब, करेंगे थोड़ी सी स्विमिंग, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। बट भाई आज प्लैंक कंपटीशन में विजेता मैं ही रहा, बहुत ही मतलब अच्छा सा लगा कि मतलब चलो कुछ तो सही हो रहा है बॉडी के साथ। तो अब खुशी खुशी अब मैं स्विमिंग करूँगा, और साथ में वर्कआउट भी किया अपना लेग्स का मस्त, अब स्विमिंग होगी तो संडे वेल स्पेंट। तो भाई अब
ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ रखे हैं, तो मैं बस इनसे कैचअप कर रहा हूँ। काशु का फ़ोन आया था कि मैं शावर ले चुकी हूँ पूल के लिए, तो आप कब आ रहे हो? मैंने कहा बस मैं भी आ गया ऑलमोस्ट, सो एवरीवन इज़ ऑन टाइम। ये देखिए गाइस, मैं आ गया क्लब में और ये दोनों ऑलरेडी रेडी हैं और पूल भी ऑलमोस्ट खाली है यार, कितना सही लगेगा। अभी मैं भी जाता हूँ इनके साथ। ये रे, आज मंशा भी है। गाइस ये देखिए, ये दोनों नए नए चश्मे ले आए हैं यार, मुझे बिना बताए। और ये तो टर्मिनेटर लग रही है गंदी वाली। ओ भाई साहब, जाओ भाई करो ऐश करो। अरे भाई गाइस देखिए, फील देखिए। ये देखिए गाइस, आई एम एंजॉयिंग माय ड्रिंक एंड वॉचिंग दीज टू एंजॉय। चीयर्स। बैक स्ट्रोक आते ही शुरू कर दिया इसने तो। ओ भाई साहब, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। ओ भाई साहब, पर पूल खा लिया, लेकिन लोग अब देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं कि यहाँ पे ना, यहाँ पे इनका भी अलग ही सिस्टम चलता है। यहाँ आके मस्त पानी पीते हैं, और कल तो एक ने इतना पानी पी लिया था कि उड़ ही नहीं पा रहा था। और चमगादड़ तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था। गाइस इनकी चल रही है रेस, देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स सी, नो वन इज गिविंग अप। ओ भाई मम्मा जीत गई इसमें तो। गाइस पूल में तो मज़ा आ गया, नहा धो के निकल गया, बस इनकी वेट कर रहा हूँ अब यहीं पे कुछ। अच्छा मैं तो ये बोलने वाला था कि मैं इनकी वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ खा के जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं। 1 hour से? ओके ओके, चलो कोई नहीं, लेट्स हैव समथिंग। अब यहीं पे कुछ खाएंगे, छुटपुट सा। नवरात्र का व्रत भी तो तोड़ना है अच्छे से। ये लो भाई, मंशा और मेरा आ गया सामान, और काशु का भी आ गया व्रत ब्रेकर, इसे कहते हैं व्रत ब्रेकर, ठीक है। चलो गाइस, अभी हमने, मैंने और मंशा ने भी चिकन की और एक फिश की डिश मंगाई है, बस वो खाएंगे और मजे करेंगे बस। तो यार मैं आपको बताना भूल गया, हम कहाँ हैं अभी? हम हैं अपने क्लब के रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भी मतलब खाना वाना सब ये देखा है, इसको देखो, यहाँ पे भी खाना वाना सब अवेलेबल रहता है, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं आज, नवरात्रि खत्म हुए, संडे का दिन है। नवरात्रि के बाद मजा ही आ जाएगा मंशा। ओए होए यार, हम तो अपनी फिश एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे चिकन पड़ा हुआ ना, इसमें से एक पीस आता है और यहाँ चला जाता है। क्या कह रहे हो? एक और चाहिए, एक और चाहिए। गाइस ये देखिए, ये है चिकन एंड बारबेक्यू सॉस विद वेजीज एंड गार्लिक ब्रेड। बस ये खा के हम घर जा रहे हैं। खाने के बाद काशु की डिमांड, ये देखिए यहाँ पे क्लब में आइसक्रीम का भी ऑप्शन है। गाइस घर वापस आ गए, ये देखिए ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठी है अपने, और ये यहाँ पे है। और ये दादू जोशी से मिलाना भूल गया आपको। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है? आप सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ। घर वाली वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीरियल देख लो अपना, चलो गुड नाइट। हेलो, हैप्पी नवमी एवरीवन। और